90 के दशक के बच्चों को शक्तिमान आज भी याद होगा। शो से जुड़े सभी कलाकारों के करियर का ये आज भी सबसे बड़ा कीर्तिमान है। आज भी लोग शो के कलाकारों को उनके किरदारों के नाम से ही पहचानते हैं। ऐसा ही एक किरदार है गीता विश्वास का, जिसे पर्दे पर वैष्णवी महंत ने निभाया था। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको भी शक्तिमान शो याद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि वैष्णवी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता हिंदू जबकि उनकी माँ क्रिश्चियन है। बचपन में उनका परिवार हैदराबाद में शिफ्ट हो गया था। उस वक्त वैष्णवी सोचती थी कि वो एक वैज्ञानिक बनेंगी। छुट्टियां मनाने के लिए वैष्णवी मुंबई आती रहती थी। यहीं से उन्हें राम से ब्रदर की हॉरर फिल्म वीराना में काम करने का मौका मिला। तब उनकी उम्र 14 साल की थी। वैष्णवी ने इसके बाद अभिनय के क्षेत्र में ही करियर बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने लाडला, बम्बई का बाबू, दानवीर बाबुल सहित अन्य फिल्में की। इसके अलावा वैष्णवी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया। हालांकि फिल्मों में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। साल 1997 में शक्तिमान का प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ। सीरियल में गीता विश्वास का रोल कर रही वैष्णवी इतनी मशहूर हुई कि वो आज भी अपने किरदार के नाम से ही जानी जाती है। उनकी शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनके किरदार को शो से बाहर किया गया था तो प्रशंसक मेकर से उन्हें वापस लाने की डिमांड करने लगे थे। शो में वो एक पत्रकार के तौर पर होती हैं, जिसने शक्तिमान के बारे में पहली बार दुनिया को रूबरू करवाया था। वैष्णवी ने शक्तिमान के अलावा छूना है आसमान, सपने सुहाने लड़कपन के, टशन है इश्क, ये उन दिनों की बात है, हम पांच फिर से, कसौटी जिंदगी की, एक लड़की अनजानी सी, मिले जब हम तुम, दिल से दिल तक और मिटेगी लक्ष्मण रेखा सहित अन्य सीरियल्स में भी काम किया है। वो इन दिनों लगातार टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय है। तो दोस्तों आपको वैष्णवी का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।